ॐ भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये श्री रामकृष्ण परमहंसा की प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 24वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 60 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ, भाग एक, भक्ति योग, समाधि तत्व और महाप्रभु की अवस्थाएं, हठ योग और राजयोग। 9 दिसंबर 1883 रविवार अगहन शुक्ला दशमी दिन के 2 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए भक्तों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। अधर, मनोमोहन, ठनठनिया के शिवचंदर, राखाल, मास्टर हरीश आदि कितने ही भक्त बैठे हुए हैं। हाजरा भी उस समय वहीं पर रहते थे। श्री राम कृष्ण महाप्रभु की अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति। चैतन्य देव को 3 अवस्थाएं होती थी, बाह्य दशा, तब स्थूल और सूक्ष्म में उनका मन रहता था, अर्ध बाह्य दशा, तब कारण शरीर में, कारणानंद में चला जाता था, अंतर दशा, तब महाकारण में मन लीन हो जाता था। वेदांत के पंचकोश के साथ इसका यथार्थ मेल है, स्थूल शरीर अर्थात अन्न में और प्राण में कोश, सूक्ष्म शरीर अर्थात मनो में और विज्ञान में कोश, कारण शरीर अर्थात आनंद में कोश, महाकारण पंच कोशों से परे है। महाकारण में जब मन लीन होता है तब वे समाधि मगन हो जाते थे, इसी का नाम निर्विकल्प अथवा जड़ समाधि है। चैतन्य देव को जब बाह्य दशा होती थी तब वे नाम संकीर्तन करते थे, अर्ध बाह्य दशा में भक्तों के साथ नृत्य करते थे, अंतर दशा में समाधिस्थ हो जाते थे। मास्टर स्वागत, क्या श्री राम कृष्ण इस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्थाओं की ओर ही संकेत कर रहे हैं? चैतन्य देव की भी ऐसी ही अवस्थाएं होती थी। श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य भक्ति के अवतार थे, वे जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए आए थे, उन पर भक्ति हुई तो सब कुछ हो गया, फिर हठ योग की कोई आवश्यकता नहीं। एक भक्त जी, हठ योग कैसा है? श्री राम कृष्ण, हठ योग में शरीर की ओर मन ज्यादा देना पड़ता है, अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है, लिंग के द्वारा दूध घी खींचता रहता है, जिह्वा शुद्धि का अभ्यास करता है, आसन साध कर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है। ये सब कार्य वायु के हैं। तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीव
घुसेड़ दी थी। बस उसका सिथर उसका शरीर सिथर हो गया। लोगों ने सोचा यह मर गया। कितने ही वर्ष वह कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा। कालांतर में वह कब्र धस गई। तब एकाएक उसे चेत हुआ। चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा, यह देखो कलाबाजी, यह देखो गृहबाजी। सब हंसते हैं, यह सब सांस की करामात है। वेदांतवादी हठ योग नहीं मानते। हठ योग और राजयोग, राजयोग में मन के द्वारा योग होता है, भक्ति के द्वारा विचार के द्वारा भी योग होता है। यही योग अच्छा है, हठ योग अच्छा नहीं, क्योंकि कली में प्राण अन्न के अधीन है। भाग दो, श्री राम कृष्ण की तपस्या। श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्त और भविष्यत महातीर्थ मूर्ति दर्शन। श्री राम कृष्ण नौबत खाने की बगल वाली राह पर खड़े हुए देख रहे हैं। मणि नौबत खाने के बरामदे में एक ओर बैठे हुए घेरे की आड़ में किसी गहन चिंता में डूबे हुए हैं। क्या वे ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं? श्री राम कृष्ण झाऊ तल्ले की ओर गए थे, मुंह धोकर वहीं जाकर खड़े हुए। श्री राम कृष्ण, क्यों जी यहाँ बैठे हुए हो? तुम्हारा काम जल्दी होगा, कुछ ही दिन करने से कोई कहेगा यह करो। चौंक कर वे श्री राम कृष्ण की ओर ताकते रह गए। अभी तक आसन भी नहीं छोड़ा। श्री राम कृष्ण, तुम्हारा समय हो आया है। जब तक अंडों के फोड़ने का समय नहीं होता, तब तक चिड़िया अंडे नहीं फोड़ती। जो मार्ग तुम्हें बतलाया गया है, वही तुम्हारे लिए ठीक है। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने फिर से मार्ग बतला दिया। श्री राम कृष्ण, यह नहीं कि सभी को तपस्या अधिक करनी पड़े, परंतु मुझे तो बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। मिट्टी के टीले पर सिर रखकर पड़ा रहता था, न जाने कहाँ दिन पार हो जाता था। केवल माँ माँ कहकर पुकारता था और रोता था। मणि श्री राम कृष्ण के पास लगभग 2 साल से आ रहे हैं। वे अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। श्री राम कृष्ण कभी कभी उन्हें इंग्लिश मैन कहकर पुकारते थे। उन्होंने कॉलेज में अध्ययन किया है, विवाह भी किया है। केशव और दूसरे पंडितों के व्याख्यान सुनने और अंग्रेजी दर्शन और विज्ञान पढ़ने में उनका खूब जी लगता है, परंतु जब से वे श्री राम कृष्ण के पास आए, तब से यूरोपीय पंडितों के ग्रंथ और अंग्रेजी अथवा दूसरी भाषाओं के व्याख्यान उन्हें अलौने जान पढ़ने लगे। अब दिन रात केवल श्री राम कृष्ण को देखना और उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं। आजकल श्री राम कृष्ण की एक बात वे सदा सोचते रहते हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा है, साधना करने से मनुष्य ईश्वर को देख सकता है। उन्होंने यह भी कहा है, ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। श्री राम कृष्ण, कुछ दिन करने से ही कोई कहेगा यह करो। तुम एकादशी का व्रत करना, तुम लोग
अपने आदमी हो, आत्मीय हो, नहीं तो तुम इतना क्यों आओगे। कीर्तन सुनते सुनते राखाल को मैंने देखा था, वह वर्ज मंडल के भीतर था। नरेंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है और हीरानंद उसका कैसे बालकों का सा भाव है, उसका भाव कैसा मधुर है, उसे भी देखने को जी चाहता है। मैंने श्री गौरांग के सांगों पांगों को देखा था, भाव में नहीं इन्हीं आँखों से। पहले ऐसी अवस्था थी कि सादी दृष्टि से सब दर्शन होते थे, अब तो भाव में होते ही। सादी दृष्टि से श्री गौरांग के सब सांगों पांगों को देखा था, उसमें शायद तुम्हें भी देखा था और शायद बलराम को भी। किसी को देखकर झट उठकर क्यों खड़ा हो जाता हूँ जानते हो? आत्मियों को दीर्घ काल के बाद देखने से ऐसा ही होता है। माँ से रो रो कर कहता था, माँ भक्तों के लिए मेरा जी निकल रहा है, उन्हें शिखर मेरे पास ला दो। जो कुछ मैं सोचता था वही होता था। पंचवटी में मैंने तुलसी कानन बनाया था जप ध्यान करने के लिए। बड़ी इच्छा हुई कि चारों ओर से बांस की कमानियों का घेरा लगा दूं। इसके बाद ही देखा ज्वार में बहकर कुछ कमानियों का गट्ठा और कुछ रस्सी ठीक पंचवटी के सामने आकर लग गई। ठाकुर बाड़ी में एक कहार रहता था, आनंद से नाचते हुए उसने आकर यह खबर सुनाई। जब यह अवस्था हुई तब और पूजा ने कर्ष का कहा, माँ मुझे कौन देखेगा, माँ मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि अपना भार खुद ले सकूं, और तुम्हारी बात सुनने को जी चाहता है। भक्तों को खिलाने की इच्छा होती है, सामने पड़ जाने पर किसी को कुछ देने की भी इच्छा होती है। माँ यह सब किस तरह होगा, माँ तुम एक बड़ा आदमी मेरी सहायता के लिए दो, इसीलिए तो माथुर बाबू ने इतनी सेवा की। और भी कहा था, माँ मेरे तो सब संतान होगी नहीं, परंतु इच्छा होती है कि एक शुद्ध भक्त बालक सदा मेरे साथ रहे, इसी तरह का एक बालक मुझे दो, इसीलिए तो राखाल आया। जो जो आत्मीय हैं उनमें कोई अंश है और कोई कला। श्री राम कृष्ण फिर पंचवटी की ओर जा रहे हैं, केवल मास्टर साथ हैं और कोई नहीं। श्री राम कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक उनसे विविध वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर से, देखो मैंने एक दिन काली मंदिर से पंचवटी तक एक अद्भुत मूर्ति देखी, इस पर तुम्हारा विश्वास होता है? मास्टर आश्चर्य में आकर निर्वाक हो रहे। वे पंचवटी की शाखा से दो चार पत्ते तोड़कर अपनी जेब में रख रहे हैं। श्री राम कृष्ण, यह डाल गिर गई है, देखते हो मैं इसके नीचे बैठता था। मास्टर, मैं इसकी एक छोटी सी डाल तोड़ ले गया हूँ, उसे घर में रख दिया है। श्री राम कृष्ण से हास्य, क्यों? मास्टर, देखने से
आनंद होता है। सब समाप्त हो जाने पर यही जगह महातीर्थ होगी। श्री राम कृष्ण सहास्य, किस तरह का तीर्थ? क्या पानी हाटी की तरह का? पानी हाटी में बड़े समारोह के साथ राघव पंडित का महोत्सव होता है। श्री राम कृष्ण प्राय हर साल यह महोत्सव देखने जाया करते हैं और संकीर्तन के बीच में प्रेम और आनंद से नृत्य किया करते हैं। मानो भक्तों की पुकार सुनकर श्री गौरांग स्थिर नहीं रह सकते, संकीर्तन में स्वयं जाकर अपनी प्रेम मूर्ति के दर्शन कराते हैं। भाग तीन, हरि कथा प्रसंग। संध्या हो गई। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हुए जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। क्रमशः मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी, शंख और घंटे बजने लगे। मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण ने मास्टर से भक्तमाल पढ़कर सुनाने के लिए कहा। मास्टर पढ़ रहे हैं जयमल नाम के एक शुद्ध चित राजा थे। भगवान श्री कृष्ण पर उनकी अचल प्रीति थी। नवदा भक्ति के यजन में वे इतने दृढ़ निष्ठ थे कि पत्थर पर खींची हुई रेखा की तरह उसका हवास न हो पाता था। वे जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम श्यामल सुंदर था। श्यामल सुंदर को छोड़कर वे और अन्य किसी देवी देवता को मानो जानते ही नहीं थे। उन्हीं पर उनका चित लगा रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वे 10 दिन चढ़ते तक उसकी मूर्ति की पूजा किया करते थे। अपने पूजन में वे इतने दृढ़ निश्चय थे कि चाहे राज्य और धन का नाश हो जाए, चाहे वज्रपात हो जाए, तथापि पूजा के समय किसी दूसरी ओर ध्यान न देते थे। इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुंची। उसने सोचा यह तो शत्रु को पराजित करने का एक उत्तम उपाय हाथ आया। जिस समय राजा जयमल पूजन के लिए बैठे थे उसी समय उसने उनके राज्य पर आक्रमण कर युद्ध की घोषणा कर दी। राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती, अतः राजा जयमल की सेना उनकी आज्ञा के रहा देखती रही। तब तक शत्रुओं ने उनका किला घेर लिया, तथापि इन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया, निरुद्वेग होकर पूजन करते रहे। इनकी माता सिर पटकती हुई पास आकर उच्च स्वर से रोदन करने लगी। विलाप करते हुए उसने कहा कि अब जल्दी उठो, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है। शत्रु चढ़ आया, अब किला तोड़ना ही चाहता है। महाराज जयमल ने कहा, माता तुम क्यों दुख कर रही हो? जिसने यह राजपाट दिया है वह अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या, और अगर वह हमारी रक्षा करे तो वह शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके। अतएव
हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है। इधर श्यामल सुंदर ने घोड़े पर सवार हो अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी कर दी। अकेले ही भक्त के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मंदिर के पास बांधकर श्यामल सुंदर जहाँ के तहाँ हो रहे। पूजा अर्चना समाप्त होने पर राजा जयमल बाहर आकर देखते हैं कि सामने उनका घोड़ा पसीने से तर हो हांफता खड़ा है। वे पूछने लगे, मेरे घोड़े पर कौन सवार हुआ और इसे यहाँ बांध गया? सभी कहने लगे कि यह तो हम कुछ भी नहीं जानते। राजा के मन में संदेह हुआ और यही सोचते हुए वे सेना सहित युद्ध भूमि की ओर बढ़े। जाकर उन्होंने देखा कि सारी शत्रु सेना रणभूमि में लौट रही है, केवल शत्रु पक्ष का राजा भर बचा है। विस्मित होकर राजा जयमल इसका कारण पूछने लगे। इतने में वह प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीप आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वह बोला, आपके एक सिपाही ने अकेला ही इतना आश्चर्यजनक युद्ध किया कि उनके सामने कोई टिक नहीं सका। वह अवश्य ही त्रिलोक विजयी है। महाराज, मैं आपका धन या राज्य नहीं चाहता, बल्कि आप चलकर मेरा भी राज्य ले लें। परंतु मुझे आप इतना बताइए कि वह सांवला सिपाही कौन था? केवल एक बार दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया है। जयमल को समझने में देर न लगी कि यह सब श्यामल सुंदर जी का ही खेल है। यह मरम जानते ही प्रतिद्वंदी राजा जयमल के चरण पकड़कर सतव करने लगे और कहने लगे कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई उन आपके चरणों में मैं शरण लेता हूँ। कृपा कीजिए कि वह श्यामल सिपाही मेरा स्वीकार करे। पाठ समाप्त होने के बाद श्री राम कृष्ण मास्टर के साथ बात कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, इन बातों पर तुम्हारा विश्वास होता है? घोड़े पर सवार होकर उन्होंने सेना नाश किया था, इन सब बातों पर? मास्टर, भक्त ने व्याकुल होकर उन्हें पुकारा था, इस पर विश्वास होता है। श्री भगवान को उसने ठीक ठीक सवार करते देखा था या नहीं, यह सब समझ में नहीं आता। वे सवार होकर आ सकते हैं, परंतु उन लोगों ने उन्हें ठीक ठीक देखा था या नहीं, इस पर विश्वास नहीं जमता। श्री राम कृष्ण सहास्य। पुस्तक में भक्तों की अच्छी कथाएं लिखी हैं, परंतु हैं सब एक ही ढर्रे की। जिनका दूसरा मत है उनकी निंदा लिखी है। दूसरे दिन सुबह को बगीचे में खड़े हुए श्री राम कृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। मणि कहते हैं, तो मैं यहाँ आकर रहूँगा। श्री राम कृष्ण, अच्छा, तुम लोग जो इतना आया करते हो, इसके क्या मानी है? साधु को लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आकर देख जाते हैं, तुम इतना आते हो, इसके क्या मानी है? मणि तो चकित हो गए। श्री राम कृष्ण स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। श्री राम कृष्ण मणि से, अंतरंग न होते तो क्या आते?
अंतरंग अर्थात आत्मीय अपना आदमी, जैसे पिता पुत्र भाई बहन, सब बातें मैं नहीं कहता, नहीं तो फिर क्यों आओगे। सुखदेव ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जनक के पास गए थे। जनक ने कहा पहले दक्षिणा दो। सुखदेव ने कहा जब तक उपदेश नहीं मिल जाता तब तक कैसे दक्षिणा दूं। जनक ने हंसते हुए कहा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर गुरु और शिष्य का भेद थोड़े ही रह जाएगा, इसीलिए हमने पहले दक्षिणा की बात कही। भाग चार, सेवक की विचार तरंगे। शुक्ल पक्ष है, चांद निकला है, मणि काली मंदिर के उद्यान के रास्ते पर टहल रहे हैं। रास्ते के एक ओर श्री राम कृष्ण का कमरा, नौबत खाना, बकुल तला और पंचवटी है। दूसरी ओर ज्योतिषना पूरन भागीरथी बह रही है। मणि मन ही मन कह रहे हैं क्या सचमुच ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण तो ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी साधना करते ही कोई आकर बता देगा ऐसा ऐसा करो, अर्थात थोड़ी साधना करने के लिए कहा। अच्छा, मेरा तो विवाह हो चुका है, लड़के बच्चे भी हुए हैं, क्या इतने पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? थोड़ा सोचकर अवश्य ही किया जा सकता है, नहीं तो ये वैसा क्यों कहते? उनकी कृपा होने से क्यों न होगा? सामने यह जगत दिखाई दे रहा है, ये सूर्य चंद्र तारे जीव 24 तत्व, ये सब कैसे उत्पन्न हुए? इनका कर्तार कौन है? मैं उनका कौन हूँ? यह न जानने पर जीवन ही व्यर्थ है। श्री राम कृष्ण पुरुष श्रेष्ठ हैं, ऐसे महापुरुष मैंने जीवन में आज तक नहीं देखे। इन्होंने अवश्य ही ईश्वर को देखा है, अन्यथा ये मामा कहते हुए दिन रात किसके साथ बातचीत करते रहते हैं? अन्यथा ईश्वर पर इनका इतना प्रेम कैसे हो सकता है? इतना प्रेम कि एकदम बाह्य ज्ञान रहित हो जाते हैं, समाधि मगन जड़वत हो जाते हैं, फिर कभी प्रेम में मतवाले होकर हंसते रोते नाचते और गाते हैं। परिच्छेद 61, दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ। भाग एक, अध्यात्म रामायण। आज अगहन की पूर्णिमा और संक्रांति है। दिन शुक्रवार 14 दिसंबर 1883। दिन के 9 बजे होंगे। श्री राम कृष्ण अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हैं। पास ही रामलाल खड़े हैं। राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे। मणि ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण ने कहा आ गए, अच्छा हुआ, आज दिन भी अच्छा है। मणि कुछ दिन श्री राम कृष्ण के पास रहेंगे, साधना करेंगे। श्री राम कृष्ण ने कहा है थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा ऐसा ऐसा करो। श्री राम कृष्ण ने इनसे कहा है यहाँ अतिथिशाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज खाना उचित नहीं, यह
साधुओं और कंगालों के लिए है। तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना। इसीलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है। उनका भोजन कहाँ पकाया जाएगा इसकी व्यवस्था कर दी गई। वे दूध पियेंगे। इसके लिए श्री राम कृष्ण ने रामलाल को आहिर से कह देने को कहा। रामलाल अध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं। मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं। रास्ते में परशुराम से भेंट हुई। श्री रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ डाला है। यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगपाड़ा मचाने लगे। मारे भय के दशरथ के होश ही उड़ गए। परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने के लिए कहा। राम ने कुछ मुस्कुराकर बाएं हाथ से धनुष लेकर गुण चढ़ाकर उसमें टंकार किया। शरासन में संयोजना करके परशुराम से उन्होंने कहा, अब यह बाण कहाँ छोड़ूं? कहो। परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया। वे श्री रामचंद्र को पर ब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे। परशुराम की स्तुति सुनते ही श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया। रह रहकर राम राम नाम का मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण रामलाल से, जरा गुह निषाद की कथा तो सुनाओ। रामलाल भक्तमाल से सुनाते रहे। श्री रामचंद्र जब पिता की सत्य रक्षा के लिए वन गए थे, तब उन्हें देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। गला रुंध आया और वे काठ की बनी पुतली की तरह निस्पंद होकर अनिमेष दृष्टि से एकटक देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा, आप हमारे घर चलो। श्री रामचंद्र उन्हें मित्र कहकर भर बहाँ बैठे। निषाद ने आत्म समर्पण करते हुए कहा, आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपनी देह समर्पित करता हूँ। आप ही मेरे प्राण धन राज्य हैं। आप ही मेरी भक्ति मुक्ति हैं। आप मेरे सर्वस्व हैं। आपके चरणों में मैं देह समर्पण करता हूँ। श्री रामचंद्र 14 साल वन में रहेंगे और जटा वलकल धारण करेंगे। यह सुनकर निषाद राज ने भी जटा वलकल धारण कर लिया। फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया। 14 साल के बाद भी श्री रामचंद्र नहीं आ रहे हैं। यह देखकर गुह अग्नि प्रवेश करने जा रहे थे। इसी समय हनुमान जी ने आकर संवाद दिया। संवाद पाकर गुह आनंद सागर में मगन हो गए। श्री रामचंद्र और सीता माई पुष्पक विमान पर आकर उपस्थित हो गए। तीव्र वैराग्य तथा संसार त्याग। भक्त वत्सल रामचंद्र ने प्रिय भक्त गु को देखते ही दृढ़ आलिंगन में बांध हृदय से लगा लिया। दोनों की देह आंसुओं से तर हो गई। निषाद राज गुह धन्य हो गई। चारों ओर उनका जयजयकार
होने लगा। भोजन के बाद श्री राम कृष्ण थोड़ा आराम कर रहे हैं, मास्टर पास बैठे हुए। इसी समय शाम डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए। श्री राम कृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े, ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते, फल होने पर फूल आप ही झड़ जाते हैं। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादि कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है, तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है। संध्यादि कर्म कब तक है? जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रु धारा न बहे, धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं। एक भक्त, धन की चेष्टा तो मैं देखता हूँ सभी करते हैं। केशव सेन को ही देखिए, किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया। श्री राम कृष्ण, केशव की बात दूसरी है। जो यथार्थ भक्त है वह अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुशायरा पाता है, वकील आदि की बात मैं नहीं कहता। जो मेहनत करके दूसरों की दास्ता करके रुपए कमाते हैं, मैं कहता हूँ ठीक राजा का लड़का। जिसे कोई कामना नहीं वह रुपया पैसा नहीं चाहता, रुपया उसके पास आप ही आता है। गीता में है, यदृच्छा लाभ। जो सद्ब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं वह चमार के यहाँ का भी सीधा ले सकता है। यदृच्छा लाभ, वह कामना नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है। एक भक्त, अच्छा महाराज, संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण, पाखाल मछली की तरह रहना चाहिए, संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ति होती है, तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे। पाखाल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इसी तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है। श्री राम कृष्ण देख रहे हैं, मणि एकाग्रचित से उनकी बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण मणि को देखकर तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्नि की तरह है, जल रहा है। वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार आप ही छूट जाता है। केवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामिनी कांचन यही माया है। माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की खाल ओढ़कर भय दिखा रहा है। जिसे भय दिखा रहा है उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू तो हिरुआ है। तब वह हंसकर चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा।
जितनी स्त्रियां हैं सब शक्ति रूपिणी हैं, वही आदि शक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। अध्यात्म रामायण में है, नारद आदि राम का स्तव करते हैं, हे राम जितने पुरुष हैं सब आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी, तुम शिव हो, सीता शिवानी, तुम नर हो, सीता नारी, अधिक और क्या कहूँ। जहाँ पुरुष हैं वहाँ तुम हो, जहाँ सीता हैं, जहाँ स्त्रियाँ हैं वहाँ सीता। त्याग और प्रारब्ध वामाचार साधना का निषेध। भक्तों से मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध संस्कार ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा, तुम मेरे पास बैठकर परमात्मा का चिंतन करो। राजा ने उत्तर दिया, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यहाँ रह सकता हूँ परंतु मुझे अब भी भोग करना है। इस वन में अगर रहूँगा तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाए, मेरा भोग अभी बाकी है। नटवर पांजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था, परंतु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था, इसीलिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोलकर इतना रुपया इकट्ठा किया है। आलम बाजार में अंडी का रोजगार खूब चल रहा है। एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना। कर्ता भजा संप्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था, वे सब मेरे आकर बैठ गई। मैं जब उन्हें माँ माँ कहने लगा तब वे आपस में कहने लगी, ये प्रवर्तक हैं, अभी घाट की पहचान इनको नहीं हुई। उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं, उसके बाद साधक, उसके बाद सिद्ध और फिर सिद्ध का सिद्ध। एक स्त्री वैष्णव चरण के पास जाकर बैठी। वैष्णव चरण से पूछने पर उन्होंने कहा, इसका बालिका भाव है, स्त्री भाव से शीघ्र पतन होता है, मातृ भाव शुद्ध भाव है। कांसारी पाड़ा के भक्तगण उठ पड़े, कहा तो अब हम लोग चलें, काली माई तथा और देवों के दर्शन करेंगे। भाग दो, श्री राम कृष्ण और प्रतिमा पूजा, व्याकुलता और ईश्वर लाभ। मणि पंचवटी और काली मंदिर के विभिन्न स्थानों में अकेले घूम रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा है, थोड़ी साधना करने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, क्या मणि यही सोच रहे हैं? फिर श्री राम कृष्ण ने तीव्र वैराग्य की बात कही और कहा कि माया को पहचान लेने पर वह भाग खड़ी होती है, मणि यही सब सोच रहे हैं। पिछला पहर है, 3:30 बजे का समय होगा। मणि फिर आकर श्री राम कृष्ण के कमरे में बैठे हैं। ब्रामटन इंस्टीट्यूशन से एक शिक्षक कुछ छात्रों को लेकर श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हुए हैं। श्री राम कृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। शिक्षक महाशय बीच बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं। बातचीत मूर्ति पूजन के संबंध में हो रही है। श्री राम कृष्ण शिक्षक से, मूर्ति पूजन में दोष क्या है? वेदांत में है, जहाँ अस्थि भांति और प्रिय है वही उनका प्रकाश है, इसलिए उनके सिवाय और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और देखो, छोटी छोटी लड़कियां
कितने दिन गुड़िया लेकर खेलती हैं, जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करती। विवाह हो जाने पर गुड़िया गुड्डों को उठाकर संदूक में रख देती हैं। ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर मूर्ति पूजन की क्या आवश्यकता है। मणि की ओर देखकर श्री राम कृष्ण कहते हैं, अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं। खूब व्याकुलता होनी चाहिए। खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है। एक आदमी के एक लड़की थी। बहुत कम आयु में लड़की विधवा हो गई थी। पति का मुख उसने कभी न देखा था। दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी। उसने एक दिन कहा, पिताजी मेरा पति कहाँ है? उसके पिता ने कहा, गोविंद जी तेरे पति हैं, उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे। यह सुनकर वह लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती और रोती थी। वह कहती थी, गोविंद तुम आओ, मुझे दर्शन दो, तुम क्यों नहीं आते? छोटी लड़की का यह रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर नहीं रह सके, उसे उन्होंने दर्शन दिए। बालक जैसा विश्वास। बालक माँ को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है, वैसी व्याकुलता चाहिए। इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ, इसके बाद सूर्योदय होगा ही। इस व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन होता है। जटिल बालक की कथा आती है। वह पाठशाला जाता था। कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था, इसलिए वह डरता था। उसने अपनी माँ से यह कहा। माता ने कहा, डर क्या है, तू मधुसूदन को पुकारना। बच्चे ने पूछा, मधुसूदन कौन है? माता ने कहा, मधुसूदन तेरे दादा होते हैं। जब अकेले में जाते समय वह डरा, तब एक आवाज लगाई, मधुसूदन दादा, कहीं कोई नहीं आ? तब वह, कहाँ हो मधुसूदन दादा, जल्दी आओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा। मधुसूदन न रह सके, आकर कहा, यह है हम, तुझे भय क्या है? यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ आए और कहा, तू जब बुलाएगा तभी मैं दौड़ा आऊँगा। भय क्या है, यही बालक का विश्वास है, यही व्याकुलता है। एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की सेवा होती थी। एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। वह अपने छोटे बच्चे से कह गया, आज श्री ठाकुर जी का भोग लगाना, उन्हें खिलाना। बच्चे ने ठाकुर जी का भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी चुपचाप बैठे ही रहे, न बोले और न कुछ खाया ही। बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुर जी नहीं उठते। उसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे। वह बार बार कहने लगा, ठाकुर जी आओ, भोग पालो, बड़ी देर हो गई, अब और मुझसे बैठा नहीं जाता। ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे? तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कहने लगा, ठाकुर जी, पिताजी तुम्हें खिलाने के लिए कह गए हैं, तुम क्यों नहीं आओगे, क्यों मेरे पास नहीं खाओगे? व्याकुल होकर ज्यों ही कुछ देर तक वह रोया कि ठाकुर जी हंसते हंसते आकर हाजिर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे। ठाकुर जी को खिलाकर जब वह ठाकुर घर से निकला, तब घर वालों ने कहा, भोग हो गया तो वह सब उतार ले आ। बच्चे ने कहा, हाँ
हो गया। ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया। उन लोगों ने कहा, अरे यह तू क्या कहता है? बच्चे ने सरलता पूर्वक कहा, क्यों खा तो गए हैं ठाकुर जी सब। तब घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो छक्के छूट गए। संध्या होने को अभी देर है। श्री राम कृष्ण नौबत खाने के दक्षिण की ओर खड़े हुए मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा है, जाड़े का समय है। श्री राम कृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं। श्री राम कृष्ण पंचवटी वाले घर में सो गए। मणि, क्या ये लोग नौबत खाने के ऊपर का कमरा नहीं देंगे? श्री राम कृष्ण खजांची से मणि की बात कहेंगे, रहने के लिए एक कमरा ठीक कर देंगे। मणि को नौबत खाने के ऊपर का कमरा पसंद आया है। वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य। नौबत खाने से आकाश, गंगा, चांदनी, फूलों के पेड़, यह सब देख पड़ते हैं। श्री राम कृष्ण, देंगे क्यों नहीं? मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत राम नाम और ईश्वर चिंतन किया गया है। ईश्वर का जीवन का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर से प्रेम। श्री राम कृष्ण के कमरे में धूप दिया गया है। उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए राखाल, लाटू, रामलाल ये भी कमरे के अंदर हैं। श्री राम कृष्ण मणि से कह रहे हैं, बात है उन पर भक्ति करना, उन्हें प्यार करना। फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा। रामलाल मधुर कंठ से गाने लगे। श्री राम कृष्ण हर गाने का पहला चरण कह दे रहे हैं। वे इसके कहने पर रामलाल पहले श्री गौरांग का संन्यास गा रहे हैं। उनके अब गौरांग की अपूर्व ज्योति का वर्णन कर रहे हैं। उनके दोनों नेत्रों में शत धाराओं से होकर प्रेम बह रहा है। मत मातंग के सदृश श्री गौरांग कभी तो प्रेमावेश में नाचते हुए गाते हैं, कभी धूल में लौटते हैं, कभी आंसुओं में बहते हैं। वे रोते हुए हरि को पुकार रहे हैं। उनका उच्च स्वर स्वर्ग और मर्त्य लोक को भी हिला रहा है। कभी वे दांतों में तृण दबाकर हाथ जोड़कर बार बार दासता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने घुंघराले बालों को मुड़ाकर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है। उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के दुख से दुखी होकर सर्वस्व त्याग कर वे प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। प्रेमदास की यही अभिलाषा है कि वह श्री चैतन्य देव के चरणों का दास होकर उनके साथ दर दर घूमे। श्री रामलाल ने फिर एक गाना गाया। इसमें श्री गौरांग देव की माता सची का विलाप है। इसके बाद श्री रामकृष्ण के आदेशानुसार रामलाल ने कुछ और गाने गाए। श्री रामकृष्ण रामलाल से फिर गौरांग और नित्यानंद वाला गाना गाने के लिए कह रहे हैं। इस बार रामलाल के साथ श्री रामकृष्ण भी गा रहे हैं। भावार्थ, हे प्रभु, श्री गौरांग और नित्यानंद, तुम दोनों भाई बड़े ही दयालु हो। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं काशी गया था, वहाँ विश्वेश्वर जी ने मुझसे कहा है, वे परब्रह्म इस समय सची देवी के घर में हैं। हे परब्रह्म, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं कितनी ही जगह गया, परंतु इस तरह के दया सागर और कहीं मेरी दृष्टि में
नहीं पड़े। तुम दोनों ब्रजमंडल में कृष्ण बलराम थे, अब नदिया में आकर श्री गौरांग और नित्यानंद हुए हो। तुम्हारी ब्रज की क्रीड़ा थी दौड़ धूप, और अब यह नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है धूल में लोटपोट हो जाना। ब्रज में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की खिलकारियां थी, और आज नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है हरिनाम कीर्तन। तुम्हारा सब और अंग तो छिप गए हैं, परंतु दोनों बंकिम नेत्र अब भी हैं। तुम्हारा पतित पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया है। मैंने बड़ी आशा से यहाँ दौड़ा हुआ आया हूँ। तुम अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो। जगाई और मधाई जैसे पाखंडी भी तर गए हैं, प्रभो यही भरोसा मुझे भी है। मैंने सुना है तुम दोनों चांडालों को भी हृदय से लगा लेते हो, हृदय से लगाकर हरि नाम कीर्तन करते हो। निर्जन में भक्तों की साधना। रात बहुत हो चुकी है। नौबत खाने के ऊपर वाले कमरे में मणि अकेले बैठे हुए हैं। आज अगहन की पूर्णिमा है। आकाश गंगा काली मंदिर मंदिरों के शिखर उद्यान पथ पंचवटी सभी चंद्र लोक से आलोकित हैं। मणि एकाकी श्री राम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। रात के करीब 3 बज गए। मणि उठे और उत्तराभिमुख हो पंचवटी की ओर जाने लगे। श्री राम कृष्ण ने पंचवटी की बात कही है, नौबत खाना अब अच्छा नहीं लग रहा है। मणि ने पंचवटी वाले घर में रहने का निश्चय किया। चारों ओर नीरवता है। रात के 11 बजे गंगा में ज्वार आया था। बीच बीच में पानी की आवाज सुनाई दे रही है। मणि पंचवटी की ओर बढ़ने लगी। इतने में उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई पड़ी, मानो कोई पंचवटी के वृक्ष मंडप के भीतर से आर्त सबर से पुकार रहा है, कहाँ हो दादा मधुसूदन। आज पूर्णिमा होने के कारण वट वृक्ष की शाखा पर शाखाओं को भेद कर चंद्र की किरणें प्रकाशित हो रही हैं। कुछ और अग्रसर होकर मणि ने दूर से देखा कि पंचवटी में श्री राम कृष्ण के एक भक्त बैठे हुए निर्जन में एकाकी पुकार रहे हैं, कहाँ हो दादा मधुसूदन। मणि निस्तब्ध होकर देखते रहे। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार। अगला वीडियो 25वां हम शुरू करेंगे, परिच्छेद 62, दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ, प्रह्लाद चरित्र श्रवण तथा भावावेश, स्त्री संग निंदा।